हर हर महादेव। देखिए कर्मकांड से संबंधित बड़ा ही दिव्य प्रश्न है। एक रवि पुरोहित जी हैं, सांडिल्य गोत्रीय यजुर्वेदी बीकानेर राजस्थान से। उन्होंने प्रश्न पूछा है। वे कह रहे हैं कि ये प्रश्न अभी तो मेरा नहीं, मेरे बहन जी का है। वे कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा है कि प्राय सभी देवताओं के पूजन से पहले गणपति का पूजन होता है, तो क्या यदि हम गणेश जी का ही पूजन कर रहे हों तो उससे पहले भी क्या गणेश जी का पूजन होगा? देखिए प्राय, अब देखिए इसको समझिए, मैं किन किन विषयों पर उत्तर दूंगा वो बात अभी बतलाता हूं। प्राय समस्त देवताओं के पूजन से पहले अग्र पूजा के अधिकारी भगवान गणपति हैं, तो गणपति का पूजन होता है। और हमें कहीं प्रधान रूप से गणपति का ही पूजन करना हो तो क्या गणपति का पूजन होगा? होगा। कैसे होगा वो अभी बतलाते हैं। पहली बात देखिए, अभी बतलाऊंगा किस वेद की शाखा वालों वालों के लिए केवल गणपति का पूजन का विधान है, किसके लिए गणेश और अंबिका का विधान है, किसके लिए सिद्धि बुद्धि सहित गणपति के पूजन का विधान है। और गणेश जी का पूजन जो पहले होता है वो कर्म का क्या माना जाता है, और षोड़श मातृकाओं के साथ में गणपति का पूजन माना जाता है वो गणपति का पूजन क्या है। पंचदेवों का नित्य पूजन करना चाहिए तो पंचदेवों के पूजन के रूप में जो गणपति वेदी पे हम लोग पूजन करते हैं तो उसमें भी पंचदेवों में गणपति हैं, तो वे गणपति का पूजन क्या है। तथा और भी कोई गणपति का ही यज्ञ हो रहा हो, गणपति का ही पूजन हो रहा हो विशेष रूप से, तो वो गणेश पूजन, वो कौन सा गणेश पूजन है। इन सभी विषयों पर जो है शास्त्र और शास्त्रार्थ प्रकरण के आधार पर हम आपको बतलाते हैं। देखिए ये जो एक ग्रंथ है प्रतिष्ठा मौक्तिकम, जिसकी चर्चा मैं प्राय करता रहता हूं, उसमें शास्त्रार्थ प्रकरण में ये बात बतलाई गई है। देखिए कि ये जो पूजन से पहले गणेश जी का पूजन होता है, सबसे पहले पहले हमने प्रधान संकल्प किया और उसके बाद में अंग संकल्प करते हैं और कहते हैं तत्रादौ निर्विघ्नतार्थम गणेशाम्बिकयोः पूजनम करिष्ये। तो वो गणेश अंबिका का पूजन करते हैं, तो वो क्या है? क्या गणेश अंबिका का पूजन ही सबको करना चाहिए? इस विषय पर भी कहते हैं इदम सकल कर्मणो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपति पूजनम न कर्मांग भूतम। एक किसी कर्म के अंग के रूप में गणेश जी का पूजन होता है वो ये नहीं है। ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम, सर्वप्रथम जो गणेश जी का पूजन होता है तो वो जो पूजन है वो निर्विघ्नता के लिए है कि हम जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान विघ्न आदि न पड़े, इसलिए गणेश जी का पूजन होता है। ये कर्मांग कर्म के अंग के रूप में नहीं है। न कर्मांग भूतम किंतु काम्यम, ये पूजन काम्य है, माने कामना है इसमें कि विघ्न ना आवे इसलिए पूजन है, तो ये काम्य पूजन है और निर्विघ्नता पूर्वक पूजन है। इसका उस कर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये कर्म के अंग के रूप में नहीं है। एक तो प्रधान कर्म होता है, एक तदंग उसके अंग अंग कर्म होते हैं, तो ये अंग भी नहीं है। देखिए न कर्मांग भूतम किंतु काम्य, तो कर्मांग भूत कौन सा है? बोले मातृका सहित गणेश पूजनम एव कर्मांगम। जब षोड़श मातृकाओं का पूजन करते हैं या चतुर्दश मातृकाओं का पूजन करते हैं तो सगणपति मातृकाओं का पूजन होता है, तो उसमें जो गणपति है वो कर्मांग है। जिस कर्म को आप कर रहे हैं, जिस यज्ञ को कर रहे हैं, तो उसमें होने वाले जो गणपति पूजन है वो ये पूजन उस कर्म के अंग के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो चाहे गणपति का प्रधान रूप में हम यज्ञ कर रहे हैं तब भी ये होगा। निर्विघ्न उस गणपति पूजन में भी तो कोई विघ्न पड़ सकता है,
उसके निवारण के लिए पहले गणपति पूजन हुआ और उस कर्म के अंग के रूप में ये गणपति पूजन हुआ जो मातृकाओं के साथ में हुआ। अब कह रहे हैं तत्र ऋग्वेदिनाम सिद्ध बुद्ध सहित महागणपतये नमः। तो वे ऋग्वेदी लोग तो सिद्ध बुद्धि के सहित महागणपति का पूजन करें इस मंत्र के द्वारा, ठीक है। तो ऋग्वेदी जो लोग हैं वो गणपति का पूजन करें तो सिद्ध बुद्धि सहिताया श्रीमन महागणाधिपतये नमः, या सिद्ध बुद्धि सहित गणपति महागणपतये नमः इससे करें। और शुक्ल यजुर्वेदी नाम सिद्ध बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः, वो गणपतये कहते हैं और ये महागणाधिपतये, थोड़ा अंतर है, ये भी सिद्ध बुद्धि के सहित है। शुक्ल यजुर्वेदी नाम सिद्ध बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः, शुक्ल यजुर्वेदी सिद्धि बुद्धि के सहित श्रीमन महागणपति का पूजन करें महागणाधिपतये। और तैतरीय सामवेद्य अथर्ववेदी नाम तु कृष्ण यजुर्वेदी तैतरीय शाखा वाले, सामवेदी कौथुमा आदि शाखा वाले और अथर्ववेदी जितने भी जो लोग हैं वे गणेशाम्बिकाभ्यां नमः इति पूजनम्, वे गणेशाम्बिका का पूजन करें। वर्तमान में सब जगह गणेशाम्बिका का पूजन चल रहा है, उनको पता ही नहीं हमारी क्या शाखा है, हम किस रूप में गणपति का पूजन करें, ये पता ही नहीं है उनको। ये सबसे पहले पूजन होने वाला जो निर्विघ्नार्थ पूजन है उसकी चर्चा हो रही है, तो ये बात है। अब अंबिका का भी पूजन यदि करना चाहते हैं तो बात ये है जो यजुर्वेदी हैं वो सिद्ध बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः ये बात कही गई है, तो यहां अंबिका को भी माने सिद्धि बुद्धि का पूजन जरूर करना, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, है ना, सिद्ध बुद्धि सहित श्री गणेशाम्बिका भ्यां नमः, ऐसा भी कह सकते हैं सिद्ध बुद्धि के सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः, या गौरी का भी पूजन अब चल रहा है परंपरा से तो सिद्धि बुद्धि को न छोड़ें, सिद्ध बुद्धि सहिताय सिद्ध बुद्धि सहित श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ये बोल करके पूजन करें। कहते हैं वर्तमान काले क्रियमाण विधिस्त्रिंशद उपचारात्मका, वर्तमान में जो पूजन की विधि चलती है वो 30 उपचारों की जो है विधि है। और तद शक्तौ यदि इतनी पूजा की जो है शक्ति न हो तो षोडशोपचारात्मका पंचोपचारात्मको वा कार्या, तो षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजन करें पर अवश्य पूजन करें इसी विधि के अनुसार। और फिर जो मातृकाओं के साथ पूजन होता है तो वहां जो गणपति हैं वे उस कर्म के अंग के रूप में है। और ये जो पंच महादेवों का पूजन नित्य प्रतीक आ गया है पंचदेव पूजनम, तो वो पंचदेव पूजन में गणपति भी हैं, शिव गणपति दुर्गा विष्णु और सूर्य, इनका पांचों देवताओं का पूजन हर संप्रदाय वाले को और हर कार्य में तथा नित्य प्रति अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। तो शारदा तिलक ग्रंथ के अनुसार जैसे जो भी आपके प्रधान इष्ट देवता हैं उनको तो बीच में रखें और बाकी का जो क्रम बिठाने का शास्त्रों में दिया गया है किस तरीके से बिठाए ये हम बतला भी चुके हैं और भी बतला देंगे, तो उस तरीके से बिठा करके पूजन कहां से प्रारंभ किया जाए तो गणपति से। पंचदेवों में सर्वप्रथम पूजन प्रधान देवता का, बीच में जो बैठे हुए हैं आपके इष्ट देवता का, और फिर जो चार बचे उनमें गणपति से प्रादक्षिणीय, जहां गणपति जिस पंचायतन में जहां बैठे हैं वहां से लेकर के प्रादक्षिण फिर पूजन प्रारंभ करना चाहिए। और गणपति का ही यदि जो है प्रधान हो, गणपति पंचायतन में प्रधान बैठे हो, तो फिर ईशान कोण से पूजन फिर आरंभ करना चाहिए, ये नियम है। तो ये जो नित्य पूजन के रूप में ये पंच महादेवताओं का पूजन हुआ। और फिर जब गणपति का और भी अगर देवता हैं
बड़ा यज्ञ है तो उन सभी का पूजन करके प्रधान देवता का सबसे बाद में पूजन होता है, तो वो पूजन जो है प्रधान देव के रूप में पूजन है। फिर आप जो गणपति का पूजन कर रहे हैं, मैंने पहले जो पूजन किया वो निर्विघ्नता निर्विघ्नार्थ किया, मातृकाओं के साथ में किया वो कर्मांग किया, और पंचदेवों के में किया वो नित्य नित्य पूजन के रूप में नित्य पूजनांग पूजन किया, और वो जो अब जो है महागणपति का ही यज्ञ है, अन्य देवताओं का सभी का पूजन औरों का भी करके फिर जो पूजन किया जा रहा है, तो वो प्रधान देवता के रूप में गणपति पूजन है। इस तरीके से अपने अपनी शाखा के अनुसार ये इतनी जगहों पर गणपति पूजन प्रेम पूर्वक सबको करना चाहिए। हर हर महादेव।